हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अतुल इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल में मिलती है पूरी जानकारी उन स्टॉक के बारे में जो फ्यूचर में चल के आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अपने स्टॉक को जानते हैं कि किस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल है, ये क्या फोरकास्ट में परफॉर्म करेगा, किस तरीके से इसके फाइनेंशियल हैं और क्या आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा सकता है आगे आने वाले टाइम में या नहीं। तो बात करेंगे इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप देखेंगे 30,115 करोड़ का दिखाई देता है और ROCE दिखेगी यहाँ पे आपको 15% की। और अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इसके बिजनेस की कि ये किस तरीके से बिजनेस में काम करता है, तो ये केमिकल सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है जो अलग अलग चीज़ें बनाती है और बहुत सारे केमिकल्स बनाती है। ये एरोमेटिक्स केमिकल्स भी बनाती है, जो केमिकल्स बल्क केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स बनाती है, कलर्स में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी बनाती है। ये क्रॉप प्रोटेक्शन बल्क एक्टिव्स बनाती है जो कि कीड़ों वीड़ों से बचाते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन रिटेल्स बनाती है, ये वैल्यू एडेड सर्विस में भी काम करती है। फार्मास्यूटिकल्स में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करती है, फ्लोर्स भी बनाती है। मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा केमिकल सेक्टर में अपनी पकड़ बना के रखी हुई है इस कंपनी ने। बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल की कि किस तरीके से ये पास्ट ईयर से परफॉर्मेंस दिखा रही है और रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो बात करेंगे, आज इसका प्राइस चल रहा है 1749 रुपीज़ का और आज का हाई था 1765 रुपीज़ का, और आज इसने रिटर्न प्रोवाइड किए हैं अपने इन्वेस्टर को 1.19% के। यहाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मंथली रिटर्न के बारे में, तो आप लोग देखेंगे कि मंथली ने 23% के लगभग रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को एक ही महीने में। इसका 1 ईयर के रिटर्न्स देखेंगे तो 66.99% के रिटर्न प्रोवाइड करा दिए हैं इसने पिछले 1 साल से। तो ऐसी ही कंपनी में हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लगातार ग्रोथ दिखा सकती हैं और जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ में आए और आगे आने वाले टाइम में उनका बिजनेस लगातार ग्रोथ दिखाता हुआ दिखे। बात करेंगे अगर 5 ईयर के रिटर्न्स की, तो आप लोग देखेंगे इसके रिटर्न लगभग 562.73% का है, मैसिव रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं इसने अपने इन्वेस्टर्स को, लगभग 6 गुना से ज़्यादा रुपए कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स का। तो लगातार मैं आपको यही बताता हूँ हर वीडियो में कि ऐसी ही कंपनियाँ ढूंढनी चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में आपके पैसे को बढ़ा सकें, अपनी कंपनी के बिजनेस को बढ़ा सकें। और अगर हम लोग मैक्स बात करेंगे कि इसने अभी तक के परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस कंपनी का, तो लगातार आप लोग देखेंगे कि इस कंपनी ने क्या शानदार ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों ये देखिए कितनी शानदार ग्रोथ दिखाई है और इसके रिटर्न देखिए कितने प्रोवाइड किए हैं अपने इन्वेस्टर को, 31,907% के से, मतलब इसने 400 गुना कर दिया है आपका रुपए। मतलब दोस्तों अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देगी। जो स्टॉक 2004 में 18 या 15 12 रुपए का हुआ करता था वो आज 1800 का है। दोस्तों बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने और अभी भी इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अगर बात करें रेटिंग की या फोरकास्ट की, तो आप लोग देखेंगे कि 83% एनालिस्ट रिकमेंड करते हैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इस स्टॉक की पास्ट ईयर में किस तरीके से इनकम रही है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। ये देखिए नेट प्रॉफिट 90 करोड़ का था 2018 जून में, वहीं पे 134 का हुआ, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करी। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई देती हुई दिखेगी इस कंपनी की। 2009 मार्च में 87 करोड़ का जो प्रॉफिट जनरेट करती थी, वहाँ पे देखिए कि अब 2020 में इसने 536 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। इससे अंदाज़ा लगेगा दोस्तों आपको थोड़ा सा कि ये किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट में इंक्रीज कर रही है, और तो इस वजह से आपका भी पैसा ऐसी सेफ कंपनी में ही लगना चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न कमा के दिखा सकें। अगर हम लोग कंपनी के CAGR को देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से अपने इन्वेस्टर का पैसा इसने बढ़ाया है। तो 52% का CAGR है पास्ट 10 ईयर से दोस्तों, ये देखिए। और पिछले 5 साल से इसका CAGR 47% का है, पिछले 3 साल से इसका CAGR 39% का है और इस साल इसने लगभग 70% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी बहुत ही शानदार है, लगातार FII इसमें बाइंग कर रहे हैं। ये देखिए
यहाँ पे आपको देखिएगा जून 2018 में केवल 3.82 की होल्डिंग हुआ करती थी एफआईआई की, अब 9% से 8% से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं एफआईआई। अगर हम लोग बात करें कि इस स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ है जो हम लोगों को अभी रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा सकती हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इसके बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं। जैसे कि बात करेंगे, इसने पास्ट 2 ईयर से आरओए इंप्रूव करा है, इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ईयर ऑन ईयर भी इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, प्रॉफिट भी पिछले 2 क्वार्टर से इंप्रूवमेंट दिखाया है इसने। इसने कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग किया है पास्ट 2 ईयर से, एनुअल रिपोर्ट भी इम्प्रूव हो रही है पास्ट 2 ईयर से, कंपनी के ऊपर कोई प्लेज नहीं है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। एफआईआई भी लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, ये 52 वीक के हाई के नियर है, स्टॉक लगभग 20% से ज़्यादा का गेन दिखा चुका है ऑलरेडी इस मंथ में। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये कंपनी कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है और आगे आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।